गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी? सभी अच्छे होंगे, है ना? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, कल बेटा आपने स्टडी की, कल आई थिंक बेटा आप लोगों के पास वीडियोस के थ्रू, है ना, वीडियोस के थ्रू प्रोसेस जो हम स्टडी करते हैं, आधा आपका ऑफलाइन रहता है और हाफ आपके ऑनलाइन रहता है। तो उस कंडीशन में आपने गैमेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र तक की प्रोसेस हम कर चुके हैं, है ना। इट मीन्स आपके पास वीडियोस यहाँ तक के पहुँच गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, इसके पहले आपने स्टडी कर ली, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तक कंप्लीट हो चुका था आपका, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने स्टडी की एम्ब्रियो जेनेसिस, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक और आगे करते हैं, हम हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में आपने एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, चलिए टू कॉलम मेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर एक्सटर्नल चलिए यहाँ पर राइट करिए, फर्स्ट दिस टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, दिस टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, एग्जाम्पल मैन इसमें राइट करिए, वेयर द फीमेल लेज हर एग इन वाटर एंड द
मेल सेट्स हिज स्पर्म ओवर देम. Where the sperm are placed inside the female. Body and they swim to the ovum. ठीक है. This take place outside the female body. For example, frog. But the female lays her egg in water and the male sets his sperm over them. और internal, वैसे आपने internal fertilization और external fertilization है ना, हमने types दोनों देखे हुए थे. ठीक, वहाँ से आप जो definitions थी उसको भी यहाँ पर difference में write कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए हमारे main point लेते हैं. main point है ओविपैरस और विविपैरस, है ना. ओविपैरस विविपैरस एनिमल्स होते क्या है, है ना, तो वो देख लेते हैं. Oviparous animals, ठीक है. ये क्या होते हैं देखते हैं. ले एग, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना. एग्जाम्पल जैसे रेप्टाइल एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स बर्ड्स. ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं. सेकेंड विविपैरस एनिमल्स, ये क्या होते हैं, जायगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी
ऑफ फीमेल. ऑर्गेनिस्ट, ठीक है भाई. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जायगोट डेवलप इंटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पर फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, एक जायगोट डेवलप होता है. तो वो एनिमल्स क्या होते हैं, विवीपैरस और ओवीपैरस क्या होते हैं, जो कि अंडे देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स. ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है, ओवो विवीपैरस. ठीक है, ओवो विवीपैरस क्या होता है देख लेते हैं. ओवो पैरस एनिमल्स, ठीक है भाई. ये क्या होते हैं देखते हैं, ओवो विवीपैरस एनिमल्स प्रोड्यूस एग बट इंस्टेड ऑफ लेइंग लेइंग द एग एग्स द एग्स डेवलप within the mother body the egg hatch within the mother. For example, embryo get nutrition from yolk stored in egg. Some example of ovoviviparous animals include some sharks and other fish. Next.
ठीक है बेटा, ये है ओवोविपेरस। ओवीपेरस में लेज एग, जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, विवीपेरस में क्या होता है, जायगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है ओवीविवीपेरस एनिमल्स। ओवीविवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस एग, बट इंस्टेड ऑफ लेइंग द एग डेवलप विद इन द मदर बॉडी, द एग हैच विद इन द मदर। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम योग स्टोर्ड इन एग, किससे लेते हैं, जो कि एग में प्रेजेंट योग होता है ना, योग, ठीक, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उससे इनहेल करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ओवोविविपेरस एनिमल्स इंक्लूड सम शार्क एंड अदर फिशेस, स्नैक्स एंड इंसेक्ट। ठीक है बेटा, ये तो हुए ओवीपेरस, विवीपेरस, ओवोविविपेरस एनिमल्स। ठीक, अब डिफरेंस देख लेते हैं ओवीपेरस और विवीपेरस एनिमल्स में। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए ट्राई द क्वेश्चन, राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड विवीपेरस। ठीक है भाई, टू कॉलम मेक कर लीजिए। ओवीपेरस एनिमल्स विवीपेरस एनिमल्स। फर्स्ट ओवीपेरस एनिमल्स रिफर रिफर टू द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस प्रोड्यूस एग्स दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं विवीपेरस में। फर्स्ट विवीपेरस विवीपेरस एनिमल्स एनिमल्स रिफर रिफर टू द
एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू डेवलपमेंट डेवलपमेंट लिव यंग इंडिविजुअल ठीक है भाई। फर्स्ट क्या है, ओविपेरस एनिमल्स रिफर टू द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग, जो किसको क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर जनरली ओविपेरस एनिमल्स में क्या होते हैं, जो कि एग देते हैं और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप होता है। विविपेरस में देखते हैं, विविपेरस एनिमल्स रिफर टू द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू डेवलपमेंट लिव यंग इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या होता है कि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो किसको बोर्न करते हैं, एक बर्थ यहाँ पर जन्म देते हैं, ठीक है, और एक यंग इंडिविजुअल को क्या करते हैं, बोर्न करते हैं या उसकी बर्थ होती है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड डिफरेंस either fertilized or unfertilized eggs। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या होगा, गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल। थर्ड may undergo internal or external fertilization। ठीक है भाई, इसमें थर्ड क्या ऐड करेंगे, फोर्थ द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट occurs outside female। फोर्थ इसमें क्या ऐड करेंगे, the development of the
जायगोट जायगोट occurs inside the female body. ठीक है, ले either fertilized or unfertilized eggs, give birth to young one individual. थर्ड क्या, मे अंडर को इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट अकर्स आउटसाइड द फीमेल, द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Next, the embryo receive receives nutrients from the yolk. The embryo receives nutrients from the mother. Next, the chances of survival are less the chances survival are more. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्ड्स. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मोस्ट फिश insect are example mein include most मैम. ठीक है बेटा, ये होता है आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट. बीबी पैरस, ओबी पैरस, ओबी बीबी पैरस. ठीक है, एनिमल्स क्या होते हैं और बीबी पैरस और ओबी पैरस एनिमल्स में डिफरेंस, और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर सेकेंड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।